नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात होगी बालाफोर रेल हादसे की। बालाफोर रेल हादसे के बाद अब हालात धीरे धीरे सहज होते जा रहे हैं, पटरी पर आते दिखाई दे रहे हैं, ट्रेनों का चलना शुरू हो गया है। सीबीआई ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और इंटरलॉकिंग के साथ क्या छेड़छाड़ की गई, छेड़छाड़ हुई तो ये किसने की, इसके सबूत तलाशे जा रहे हैं। इस बीच पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बालाफोर हादसे से जुड़ा हुआ एक नया ऑडियो टेप सामने आया है। इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद बंगाल से लेकर ओडिशा तक घमासान मचा हुआ है। इस ऑडियो में रेलवे के दो अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है। इसमें अधिकारी एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ये ऑडियो टेप टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किया, जिसके बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने बालाफोर रेल हादसे को लेकर टीएमसी की साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने पुलिस की मदद से बालाफोर हादसे से जुड़े हुए रेलवे के दो अधिकारियों के बीच बातचीत का ऑडियो लीक किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बातचीत कैसे लीक हुई, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूछा, आखिर ममता बनर्जी सीबीआई जांच से घबरा क्यों रही हैं? हम आपको शुभेंदु अधिकारी का पूरा आरोप सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले रेलवे के दो अधिकारियों की वो बातचीत सुनिए जो टीएमसी नेता कुणाल घोष ने जारी किया है। ये जो आप जो सिम्स में जो आप जो रिपोर्ट डाल रहे हो ना, हाँ सर, देयर ए बिट कॉन्ट्राडिक्टरी। नहीं, वो तो इनिशियली जब रिपोर्ट किया गया ना सिम्स में, वो उस समय सब कुछ सारा कुछ क्लियर नहीं था। जो ग्राउंड से जो मिला था उसी के आधार पे सिम्स में अपलोड किया गया था। तो अभी फाइनली क्या मैंने क्या क्या निकल के आ रहा है? पॉइंट वाज रॉन्गली सेटेड सर। पॉइंट वाज सेटेड सेट टुवर्ड्स यू लूप लाइन, बट द सिग्नल वाज थ्रू फॉर मेन लाइन। ऐसा कैसे हो सकता है? एसएनटी वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है सर। नहीं, बट डिड दे माने वर दे डूइंग एनी जॉब एट दैट टाइम? कुछ काम हुआ था ना, कुछ काम हुआ था वहाँ पे। हाँ, तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हो, बट दिस इज इन फाउंड मैं दे सेट द पॉइंट फॉर मेन लाइन, बट इट वाज सेट फॉर लूप लाइन। यस सर, सिग्नल वाज थ्रू फॉर मेन लाइन, बट द फेसिंग पॉइंट वाज सेट टुवर्ड्स लूप। That's why that Coromandel Express collided with the goods train. Yes, sir. It collided with goods train, and then all coaches and locos all scattered, and some person collided with this 2864, and the rearmost two coaches of 2864 got capsized. इस वक्त हमारे सहयोगी टी राघवन बालाफोर से लाइव जुड़ गए हैं। राघवन, हमने ये पूरा ऑडियो टेप दर्शकों को सुनाया, उसमें ये चर्चा हो रही है, इंटरलॉकिंग के मैनुअली छेड़छाड़ की भी बातचीत हो रही है। पहले तो ये बताएं, ये टेप कितना ऑथेंटिक है, इस टेप को लेकर और क्या क्या जानकारियां आपके पास? देखिए, रेलवे के ऑफिशियल्स इस टेप के बारे में ज्यादा कुछ ऑन रिकॉर्ड कहने से बच रहे हैं। उनका ये कहना है कि 3 जून की शाम को ये ऑडियो वायरल हुआ था। ठीक है राघवन, मैं काम करती हूँ। पहले जो दावे और किए जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की ओर से, वो जरा हम दर्शकों को सुना देते हैं, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे शुभेंदु अधिकारी ने इस पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। क्या आरोप उन्होंने लगाया वो सुनिए। আপনি ভাবতে পারেন দুটো রেল আধিকারিকের ফোনের কথোপকথন তৃণমূল ভাইরাল করছে। সিবিআই ইনভেস্টিগেশন হয়েছে, আমারও ডিমান্ড ছিল, আমি বালেশ্বরে দাঁড়িয়ে কালকে বলেছি, এবং সিবিআই ইনভেস্টিগেশনে এই কল রেকর্ডটা যদি ইনভেস্টিগেশনে না আনা হয়, আই এম ওয়েটিং, আমি ভুবনেশ্বরে গিয়ে সিবিআই অফিসে অ্যাপ্লিকেশন করব এবং অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করাবো। রিসিভ করার পরে আমি কোর্ট করব যে ওই তদন্তের আওতায় এই দুজন রেল আধিকারিকের ইম্পর্টেন্ট কনভারসেশন কি করে পায়। কলকাতা পুলিশের এসটিএপি কল রেকর্ড করেছে এবং তৃণমূলকে সাপ্লাই দিয়েছে। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে এটা আসা উচিত, কোত্থেকে এই দুজন আধিকারিকের কল রেকর্ড পেয়েছে। আমি ছাড়ার লোক নই। রাঘবন,
शुभेंदु अधिकारी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इस तरीके के आरोप लगा देना, वाकई उनके पास कोई तथ्य होगा या कोई उन्होंने भी जांच पड़ताल की होगी इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। बहरहाल आप ऑडियो टेप के बारे में जानकारी दे रहे थे कि क्या रेलवे के अधिकारी इस पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं कि हाँ ये टेप ऑथेंटिक है या नहीं? जी देखिए, जितने भी रेलवे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं बालासोर में और इस हादसे से जुड़े हुए जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो अभी तक कुछ भी इससे ऑन रिकॉर्ड कहने से बच रहे हैं। उनका हालांकि वो इस ऑडियो टेप से अवगत हैं, उनका ये कहना है कि हमें भी मालूम है कि एक ऐसा ऑडियो टेप आया है लेकिन हम उस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं। और अब जब पूरी जाँच CBI के हाथों में जा रही है तो वाकई में ये सारी पहलू हैं जिन पर जाँच की जाएगी। जिस CM पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इसको जानबूझकर वायरल करवाया है, वो CM आज यहाँ पर हैं, यहाँ से भुवनेश्वर वो घायलों से मिल रही हैं, वहाँ पर मुआवजा राशि ममता बनर्जी देंगी, कुछ देर में वो वहाँ पर भुवनेश्वर और कटक जाने वाली हैं। पिछले 3-4 दिनों की बात कर ले मीनाक्षी तो दूसरी बार वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और पहली बार जब वो आई थी तब रेल मंत्री के सामने उन्होंने कहा था कि जब मैं थी तब मैंने सेफ्टी के कई सारे मेजर्स लिए थे, अगर उसको फॉलो किया जाता तो इतना बड़ा रेल हादसा नहीं होता। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने स्पॉट सर देकर बहुत चर्चा का उस वक्त वो विषय बना था। अब जो फोकस है वो इन्वेस्टिगेशन पर है, CBI की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथों में लेने जा रही है। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि CBI की टीम आखिर करेगी क्या। हम जहाँ पर मौजूद हैं ये एक्सीडेंट साइट है, आप देख सकती हैं यहाँ पर वो रैकेज आपको नज़र आ रहे होंगे, जो क्षतिग्रस्त डिब्बे हैं वो जो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन उसके बाद जो रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से थोड़ी दूर पर आपको बहना का रेलवे स्टेशन मिलेगा, वहाँ पर वो कक्ष है जहाँ से ये इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है। जो ऑडियो आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पॉइंट था उसके साथ छेड़छाड़ हुई इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो रेलवे के अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो फुल प्रूफ है, 100% सेफ। देखिए अब अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फुल प्रूफ है, सर्टिफाइड है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, कोई ग्लिच नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं जो मिस्टेक हुई है, और क्या इंटरलॉकिंग को मैन्युअली छेड़छाड़ की जा सकती है और क्या मैन्युअली अभी भी इंटरलॉकिंग को ऑपरेट किया जा रहा है या नहीं, ये जांच का विषय। बहुत शुक्रिया राघवन पूरी जानकारी के लिए आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। बालासोर हादसे की जांच जारी है, साथ ही इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोबारा उड़ीसा जा रही हैं। ममता आज कटक और भुवनेश्वर जाएंगी जहां वो रेल हादसे में घायल बंगाल के यात्रियों से मुलाकात करेंगी और CBI जहां इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। कल CBI के 10 सदस्यों की टीम हादसे की जगह पर पहुंची, वहां का जायजा लिया। माना जा रहा है कि CBI आज से औपचारिक तौर पर इस केस को अपने हाथ में ले लेगी। इस मामले में जो FIR दर्ज की गई है CBI उसी को आधार बनाकर जांच करेगी, लेकिन CBI नियमों के मुताबिक नए सिरे से FIR दर्ज कर सकती है। CBI की स्पेशल क्राइम यूनिट बालासोर हादसे की जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, CBI पूरे मामले की साजिश के हर एंगल से जांच करेगी। CBI के सामने सबसे बड़ा सवाल इस सच्चाई को सामने लाना है कि ये रेल हादसा महज एक हादसा था या फिर एक साजिश का नतीजा है। आखिर इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ किसने की, क्या ये छेड़छाड़ जानबूझकर की गई? जब कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन का ग्रीन सिग्नल दिया गया था तो ये लूप लाइन पर आखिर कैसे चले गए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV News Google Play Store या App Store पर।